हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ दोस्तों। और आप सबका बहुत 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 स्वागत है एक नया फ्रेश और अच्छी वाइब्स के साथ और एक फेस्टिवल मूड में, है ना? रजनी देख रही है। और दोस्तों मेरे को आप सब देख रहे हो, मैं एकदम तैयार नहीं हूँ, मतलब सूट पहनी हूँ और सूट पहन के एकदम अच्छे से रेडी होके मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने, क्योंकि कल है करवा चौथ। यस, आप सब सही सुन रहे हो दोस्तों, करवा चौथ। आप सभी को पता होगा करवा चौथ पे कितना स्पेशल होता है, कितना स्पेशल माना जाता है मेहंदी लगाना। मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने, अभी प्रॉपर मैं तैयार नहीं हुई हूँ, तो अभी मैं मिलती हूँ तैयार होके। दोस्तों आप सब भी जाइए मेहंदी लगवाने, मतलब बॉयज़ तो नहीं जा सकते हैं, यस ऑफ कोर्स, गर्ल्स और जितने भी मतलब मैरिड है या अनमैरिड है वो सब लगा सकते हैं मेहंदी। बाय। तो दोस्तों मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ मेहंदी लगवाने के लिए, तैयार होके आ गई हूँ। नॉर्मल चप्पल में जा रही हूँ, बाटा चप्पल में, मेरे को कोई क्रेज नहीं है चप्पल पहनने के ज़्यादा अच्छे, और सैंडल वगैरह मुझे पेन होती है, इसीलिए मैं एकदम कंफर्टेबल रहना पसंद करती हूँ, कंफर्टेबल चीज़ें पहनना पसंद करती हूँ। तो जब आप कंफर्टेबल रहना पसंद करते हो तो आपको स्टाइलिश चीज़ें पहनने से या तो चुभन हो सकता है और या तो पेन हो सकती है, तो इसीलिए ये काम नहीं करती है रंजू फिटनेस। रजनी पानी डाल रही है। और दोस्तों मेहंदी लगवाऊंगी फटाफट और एक दो रील्स भी बनवा लूंगी रजनी से, सुन रही है। उसके बाद आने के बाद, मेहंदी उतारने के बाद, हमें जाना है सब्जी लाने के लिए और बहुत सारे फ्रूट्स, जो कि टीना दीदी ने बोला है बहुत सारे फ्रूट्स भी लगते हैं करवा चौथ में। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, मेरी पहली करवा चौथ है, तो इसीलिए मुझे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाना है कल के लिए। तो दोस्तों आप सब बने रहिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ मेहंदी लगवाने के लिए। और मैंने अभी ज़्यादा फेस में कुछ भी नहीं किया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एकदम से कहाँ जाके क्या करके आ गई, कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी मैंने ब्लशिंग की है थोड़ी सी, और लिपस्टिक एकदम ही लाइट लगाई है, लिप बाम लगाया है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं किया। और काजल बहुत दिन के बाद डाली है मैंने, काजल डाली है, बिंदी लगा ली है, बस दैट्स इट। मेरे बाल तो एकदम सेट है, इसलिए मैं बहुत खुश नज़र आ रही हूँ। मेरे बाल तुम्हें पता है ना कितनी उलझ जाती है रजनी, तुम्हें पता है ना? हाँ। उलझती है ना बाल, बहुत पेनफुल है ऐसे करते करते, कहीं लोगों की नज़र ना लग जाए मेरे बालों में। हेयर फॉल तो नहीं होगी दोस्तों? आप सब नजर मत लगाना मेरे बालों में। बाय। क्या रजनी को भाभी? वो तो हुई, मैं तेरी ही भाभी हूँ, और किसकी? ना टीना दीदी, निक्की दी, सुन रहे हो आप सब? कहती किसी की नहीं, निक्की दी, टीना दीदी तेरे को कूट देगी वो। कहती किसी की भाभी मत, हमारी भाभी है। चलो दोस्तों बाय। बोलती है ना मेहंदी रखवाती हूँ। तो दोस्तों ये मेरी मेहंदी लगाने वाली सुंदर सी लड़की, और ये भी सुंदर सी लड़की, ये भी मेरी दूसरी हाथ में लगाएगी, और यहाँ इस हाथ में ये, दूसरी हाथ में ये, तीसरी ये सुंदर परी। चलो। हेलो दोस्तों, तो मैं आ चुकी हूँ मार्केट से मेहंदी लगवा के, उतरवा के। अभी रात को बज रहा है 10:30 से ज़्यादा हो रहा होगा दोस्तों, और पति ने ब्लॉग देख लिया ना, ऐसे कुटाई कर देंगे वो मेरे, कुटाई होगी मेरी। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, कल मैं मेहंदी दिखाऊंगी आप सबको। अभी मैंने उतार ली है, मम्मी मुझे डांटेगी क्योंकि मम्मी मेरी एक एक ब्लॉग देख लेती है। तो मम्मी ने मुझे कहा था कि बेटा उतारना मत, पानी से धोना मत उसको, ऑयलिंग करके छोड़ देना उसको। और मैंने, क्या होता है ना मेरे को स्वेटिंग आती है, आप सबको पता है,
और मेहंदी लगी है उस पे ऑयल लगा दिया, कीचड़ जैसा हो जाता है, मेरे को नहीं पसंद है। मैंने थोड़े टाइम तो कर लिया, मम्मी के बात सुन ली, फिर जाके मैंने धो लिया। दत्तरी को कौन रखेगा कीचड़ जैसा। अभी रंग चढ़ी नहीं है, जब चढ़ेगी कल तो प्रॉपर मैं दिखाऊंगी क्या डिजाइन है कैसा है, मुझे इतना आइडिया नहीं है। जो भी लगाना था मैंने ये बोला, दो लड़कियों ने लगाया दोनों हाथों में, मैंने बोला तेरा जो फेवरेट है ना जो डिजाइन तू छाप दे, छाप दिया उस दोनों ने। फिर आई, फिर वेजिटेबल लेने चली गई, फ्रूट्स लेने चली गई। मेरे ना सच में यार करवा चौथ से ज़्यादा ना, जो करवा चौथ से एक पिछले वाली दिन होता है ना वो दिन, भाई कैसे कर लेते हो आप सब, कमेंट करके बता देना। सच में मेरा तो बुरा से भी ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। दूध लाने के लिए ना रंजू फिटनेस को डेली 9 बजे याद आता है, जिस दिन या तो नवरात्रे पे या तो कोई ऐसे फेस्टिवल टाइम पे मुझे 9 बजे रात को दूध लेना होता है। और ये दुनिया में जितना दुनिया है ना मेरे आसपास, उसमें दूध ही नहीं मिलता कहीं कहीं भी नहीं। और मुझे इस पागल को पता होता है कि दूध वहाँ नहीं मिलेगा, फिर भी मैं चक्कर काटूंगी। जब से मेरा कामदायक चीज़ आई है ना, कामदायी चीज़, तब से मैं उसको लेके ना बेचारी को इधर उधर उधर कुदाती रहती हूँ। और मुझे पता होता है कि यहाँ दूध नहीं मिलेगा, फिर भी मैं जाती हूँ, क्योंकि मेरे दिल को ना संतुष्टि सा नहीं मिलता है। तो ये सब किया, फिर बहुत ही छोटी 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 काम थे सब करके। आज मैं ना सुबह से उठने के बाद ना 11:30 के बाद घर में हूँ ही नहीं मैं, समझोगे, सोचोगे, समझ पा रहे हो आप सब, सोचो 11:30 के बाद नहीं हूँ मैं, आ रही हूँ फिर जा रही हूँ, बैग रख रही हूँ, आ रही हूँ वहाँ से लेके आ रही हूँ, रख रही हूँ यहाँ से लेके जा रही हूँ, वहाँ रख रही हूँ, यही सब चल रहा है। तो दोस्तों मीनवाइल इन्हीं सब के साथ अपना अभी भी 2 घंटे लगेंगे मेरे को। मैंने अपने पतिदेव से झूठ बोला है, करवा चौथ से एक पिछला दिन भी झूठ बोल लिया मैंने, उनको यही कहा कि मैं सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठना है, उनको भी कहीं फार्म हाउस पे जाना है, पता नहीं बेचारे घी के चक्कर में ऑर्गेनिक घी घी खा खा के ना, न्यूज़ सुनने के बाद बेबी कहते कोई ऑर्गेनिक नहीं खाना, मैं गाँव से जाऊँगा सामने बैठ के ना ऐसे लूँगा, जहाँ आंटी बुढ़ी से आंटी घी निकाल रही होगी ना वहां बैठ के लूंगा, देखो ना जो देखो ऑर्गेनिक, यार पागल हो जाऊंगी। मेरे पति ने बहुत पैसे वेस्ट करा है ऑर्गेनिक के चक्कर में, मेरे को भी आदत डाल दिया उन्होंने। कल मिलते हैं बहुत अच्छे मूड के साथ, बहुत अच्छी वाइब्स के साथ, और एक नया फ्रेश ब्लॉग में मिलते हैं कल, बहुत अच्छी ड्रेस के साथ भी, बहुत अच्छे मेकअप के साथ भी, और बहुत अच्छी अच्छी बोल के साथ भी। तो दोस्तों आप सब देखते रहिए वीडियोस वगैरह, एंजॉय करिए लाइफ में, प्यार बांटिए, मम्मी पापा से प्यार करिए, आसपास जितने भी लोग हैं उन सब से प्यार करिए, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनसे प्यार करिए, उनको पानी दीजिए, उनको खाना दीजिए। अगर नहीं है आपके, मतलब आप कैपेबिलिटी, मतलब आप में वो कैपेसिटी नहीं है पैसे खाना पानी देने का, तो आप लव और रिस्पेक्ट दीजिए। बाय बाय, ये समझ लीजिए मैंने ज्ञान ही बांट दिया, आजकल तो सारे ही ज्ञान बांटते हैं, मैंने भी बांट दिया। तो दोस्तों बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, अपना बहुत ख्याल रखिए, और एक्सरसाइज ना भूलिए आप सब, और हेल्दी डाइट, बाय।